हेलो दोस्तों, सैटरडे का दिन है और सभी घर पे हैं आज, और सभी एकदम रिलैक्स्ड मूड में हैं। और अचानक से सबकी फरमाइश आ गई है मूंग दाल का हलवा खाने की, तो मैं आ गई हूँ किचन में मूंग दाल का हलवा बनाने। मूंग दाल तो वैसे मेरे पास भिगोए हुए नहीं थे, तो मैं बिना भिगोए हुए इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा बनाऊँगी। मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये देखिए, मैंने ये कप ले लिया है और अब इसमें हम नाप करके मूंग दाल लेंगे। इससे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मूंग दाल मैंने लिया है। इतनी क्वांटिटी है ना, ये 5 से 6 लोगों के लिए सफिशियंट होगी। तो यहाँ पे मैंने इसी कप से नाप करके मूंग दाल लिया है और इसी कप से नाप करके और सारी चीज़ें भी हम मेजर करेंगे। तो आप कप या कटोरी कोई भी एक सेट कर लें और उसी से सारी चीज़ों को मेजर करें। और इसको एक बोल में डालकर इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे, क्योंकि दाल में जो भी गंदगी है ना वो धोने से निकल जाएगी। तो इसको जल्दी से वॉश कर लेंगे और जितना पानी है ना उसको ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पे 2 से 3 बार मूंग दाल को अच्छे से वॉश करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, मूंग दाल को मैंने वॉश कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हम ले लेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी। मूंग दाल को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, कढ़ाई में मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और मूंग दाल को हम इसमें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मूंग दाल मैंने ऐड कर दिया है घी के अंदर, और अब लो मीडियम फ्लेम पर मूंग दाल को हमें फ्राई करना है। ये देखिए, ये जो तरीका है ना बहुत आसान भी है और बहुत झटपट बन जाता है। इसके लिए मूंग दाल को भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जब भी मुझे झटपट से मूंग दाल का हलवा बनाना होता है ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें मूंग दाल को भूनना है। इससे क्या होगा कि मूंग दाल जो है ना वो चारों तरफ इवनली अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दूँगी ताकि मूंग दाल जो है वो अच्छे से जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा दिया है और अब मीडियम फ्लेम पर हम मूंग दाल को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंग दाल हमारी कैसे फ्राई हो रही है। और ये मूंग दाल जब अच्छे से भुन जाएगी ना, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये देखने से ही एकदम क्रिस्पी हो जाएगी और इसमें एक स्पेशल टाइप की आवाज़ आएगी। तो उस आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि मूंग दाल अच्छे से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको लगातार चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक हमारे मूंग दाल क्रिस्पी ना हो जाए और इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मूंग दाल का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं, और इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मूंग दाल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो जब तक हमारा दाल ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट करके रख लेंगे हलवे में डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 12 से 14 आलमंड ले लिए हैं और थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं 1 टेबलस्पून के लगभग, और 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने किशमिश ले ली है। तो पिस्ता और बादाम को हम चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, बादाम को मैं इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस कर ले रही हूँ और पिस्ता को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे चिरौंजी, काजू वगैरह भी ऐड किया जा सकता है इसमें, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता को चॉप कर लिया है। तो इधर जो हमारा मूंग दाल था ना, वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं मूंग दाल की तरफ। तो यहाँ पे मूंग दाल जो हमारे हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम मूंग दाल को ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। तो एक ग्राइंडर में हम मूंग दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। मूंग दाल को हमें अच्छे से ग्राइंड करके एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। तो इसको पहले हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको ग्राइंड करने के लिए हमें पल्स मोड पे ग्राइंड करना है, मतलब इसको ऑन करना है, फिर थोड़ी देर चला के ऑफ़ कर देना है। इस तरह से हम मूंग दाल को ग्राइंड करेंगे और इस तरह से जार को थोड़ी थोड़ी देर पे हिला देंगे। इससे क्या होगा कि मूंग दाल चारों तरफ अच्छे से इवनली ग्राइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो मूंग दाल है ना, अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं और एकदम फाइन पाउडर बन गया है, ये देखिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमें मूंग दाल का आटा मिल गया है, जिससे कि हमारा हलवा बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एकदम फाइन सा ये मूंग दाल का पाउडर तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं हलवा बनाने की तरफ। तो एक कढ़ाई में हम ले लेंगे 1/2 कप घी। तो जिस कप से मैंने नाप करके मूंग दाल लिया था ना, उसी कप से नाप करके हमें सारी चीज़ें लेनी है। तो उसी कप से नाप के यहाँ पे 1/2 कप घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। यहाँ मैं नॉनस्टिक कढ़ाई में हलवा बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन नॉनस्टिक में हलवा चिपकता नहीं है कढ़ाई में, इसलिए यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ की है। घी गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने से हलवे का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो सूजी हम डालेंगे, थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, करीब 1 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मूंग दाल का पाउडर जो हमने तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने सारा मूंग दाल का पाउडर डाल दिया है और अब इसको हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है।
तो इसको लगातार चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा झाग हो गया है, तो वो नेचुरल है। जैसे ही हमारा जो मूंग दाल है ये फ्राई हो जाएगा ना, झाग अपने आप चला जाएगा। इसको लगातार चलाते रहना है ताकि चारों तरफ अच्छे से इवेनली फ्राई हो हमारा मूंग दाल। तो इसको हमें वैसे ही बनाना है जैसे हम आटे या बेसन का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूंग दाल का कलर जो है ना वो चेंज हो रहा है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। मूंग दाल जब रोस्ट होता है ना घी के अंदर तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो बहुत ही बढ़िया से हमारा जो मूंग दाल है ना ये फ्राई हो रहा है घी के अंदर। तो बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा घी है, तो घी तो रहेगा दोस्तों, हलवे में घी ना रहे तो हलवा टेस्टी नहीं बनता है। तो वैसे कोई बात नहीं है, हलवा बनने के बाद आप उसमें से घी अलग भी कर सकते हैं क्योंकि घी सारा अलग हो जाता है, तो आप उसमें से घी निकाल कर सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मूंग दाल अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर इसका लाइट ब्राउन हो गया है और इस समय फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो झाग था ना वो भी गायब हो गया है। तो यहाँ पे हमारा मूंग दाल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, लो फ्लेम पर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। भूनने से ड्राई फ्रूट्स में भी अच्छा क्रंच आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को मूंग दाल के साथ भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो सबको शादी और पार्टी वाला मूंग दाल का हलवा खाना था, तो मेरे पास इंस्टेंटली मावा भी नहीं था और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं मावा बना पाऊँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, दूध इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 कप दूध ऐड किया है। जिस कप से नाप कर मैंने सारी चीज़ें ली है ना, उसी कप से नाप कर 2 कप दूध ऐड कर दिया है। और अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। धीरे धीरे ये हलवा हमारा जो है ना वो गाढ़ा होने लगेगा और आप देख सकते हैं इस स्टेज पर हमें लगातार इसको चलाते रहना है ताकि हलवा नीचे से जल न जाए। और इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो हलवा है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और ये जो स्टेप है ना इसको थोड़ा संभाल के करना है क्योंकि इसमें से बहुत सारे छींटे उड़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा संभाल के करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हलवा हमारा कैसे एकदम गाढ़ा सा हो गया है। तो इसको लगातार हम चलाते रहेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे हलवा हमारा कैसे गाढ़ा हो गया और इसमें से घी भी अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3/4 कप चीनी, मतलब जितना हमने मूंग दाल लिया था ना उतना ही चीनी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब मीडियम फ्लेम पर फिर से चलाते हुए पकाएंगे। धीरे धीरे जो चीनी है ना ये मेल्ट हो जाएगी और हलवा की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाएगी क्योंकि जब चीनी मेल्ट होगी ना तो हलवा थोड़ा पतला हो जाएगा। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हलवा वापस से गाढ़ा ना हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा हलवे को कुछ देर के लिए चलाना पड़ता है, उसमें यही मेहनत है। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं चीनी डालने के बाद हलवा का कलर कैसे चेंज हो गया है और एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है हलवे के अंदर। और इसी तरह से लगातार चलाते हुए हलवा को पकाएंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे चाशनी का भी यूज़ नहीं किया है। तो बिना चाशनी बिना मावा के एकदम बहुत ही झटपट से ये मूंग दाल का हलवा हम बना सकते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं हलवा यहाँ पे गाढ़ा हो गया है और इसमें से घी भी अलग होना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इस हलवे को ढक देंगे और इसको ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये देखिए हमारे हलवे की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। मूंग दाल बहुत अच्छे से पक गया है और हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और लास्ट में इसमें 1/2 टीस्पून के लगभग इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया हमारा मूंग दाल का हलवा तैयार हो गया है। मूंग दाल बहुत अच्छे से पक चुका है और लास्ट में हम 2-3 मिनट के लिए जो ढक देते हैं ना उसमें मूंग दाल अच्छे से पक जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो ये देखिए हमारा हलवा कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब ये हलवा हमारा तैयार है सर्व करने के लिए, तो आइए इसको बोल में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है और इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देते हैं जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा कर रखे थे ना उससे। और ये लीजिए हमारा बिल्कुल शादी और पार्टी में जो हलवा बनता है ना बिल्कुल वैसा ही मूंग दाल का हलवा बनकर तैयार है। आप चाहें तो जो घी इसमें से अलग हो रहा है ना इसको आप अलग कर सकते हैं सर्व करने के टाइम में। तो आई होप दोस्तों ये सिंपल और इजी मूंग दाल का हलवा आपको बहुत पसंद आया होगा और बिना तामझाम के बिना मावा बिना चाशनी के बना हुआ ये हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपको अगर
झटपट से मूंग दाल का हलवा बनाना हो ना कभी, तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी हलवा बनता है। तो दोस्तों, आपको अगर आज का ये कुकिंग ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही कुकिंग ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए बहुत सारे और आगे कुकिंग ब्लॉग्स लाने वाली हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।